आज ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी सुर्खियां चित्तौड़गढ़ में आकर सिमट गई हो। आज चित्तौड़ का स्वरूप अनुपम लग रहा है, आज चित्तौड़ की सजावट अद्भुत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि चित्तौड़ की गौरव गाथा एक बार पुनः जीवंत हो गई है, और हो भी क्यों ना। एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा क्षण जिसके लिए चित्तौड़ को 500 साल का इंतजार करना पड़ा, तकरीबन 5 सदी के बाद आज एक बार फिर से मेवाड़ राज परिवार के विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक चित्तौड़ में होने जा रहा है। और कमाल की बात देखिए कि लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक मान्यताओं के बीच भी जब परंपराओं के निर्वहन के ये स्वरूप सामने आते हैं, ये रोमांचित कर देते हैं, ये हर एक को अपने आप से जोड़ते दिखाई देते हैं, अपने सामाजिक रीति नीति को, अपने सामाजिक संस्कारों को, अपने रीतियों को, अपनी परंपराओं को निभाना, यही तो सांस्कृतिक वो विरासत है जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। और जब इनके स्वरूप इस तरह से निखर कर आते हैं, जब इनके स्वरूप इस भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने आते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का इससे जुड़ना, प्रत्येक व्यक्ति का इसको देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक समझ सकते हैं। और वैसे भी आज जो तैयारियों का क्रम चल रहा है, जो आज स्वरूप हम देख रहे हैं, जिस तरह से मेहमानों के आने का क्रम लगा रहा है, ऐसा लगता है कि वास्तव में चित्तौड़ उन पुरानी यादों से, उन ऐतिहासिक यादों से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन यादों के पन्ने आज पुनः हमें माँ पद्मिनी के उस जौहर की याद दिलाते दिखाई दे रहे हैं। उन यादों के पन्ने आज पुनः हमें गोरा बादल के उस ऐतिहासिक, उस जबरदस्त शौर्य की कहानी, उसकी गाथाएं गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतिहास के वो पन्ने आज हमें राणा हमीर तक ले जाते नजर आ रहे हैं। और जो लोग आगंतुक आ रहे हैं, जो इस चित्तौड़गढ़, जब जब किलों और दुर्ग का नाम आता है तो सबसे श्रेष्ठतम नाम आता है वो चित्तौड़गढ़ कहलाता है। ऐसा लग रहा है आज उस गढ़ की दीवारें स्वयं आने जाने वालों से बतिया रही है अपनी गौरव गाथाओं के उस तमाम शौर्य को, स्वाभिमान को, संघर्ष को आज चित्तौड़ अपने मेहमानों के साथ साझा करता दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसको लेकर लंबी तैयारियों का क्रम चला है। ये जो स्वरूप नज़र आ रहा है, गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रण दिए गए हैं, आमंत्रित करते हुए आग्रह किया गया है कि आप जरूर आए। और जब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी वापस आती है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज का व्यक्ति इस आयोजन से जुड़ने के लिए आतुर दिखाई देता है। बड़ी मोहक मुस्कान के साथ वो इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति देते हैं, वो कहते हैं कि हम अवश्य आएंगे। तब यह एहसास होता है कि जो जुड़ाव, जिसका जिक्र 1400 साल की एक अवधि का बार बार किया जाता है, वो जुड़ाव कितना मजबूत है, वो गठजोड़ कितना प्रबल है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, उसके बीच राजतंत्र के ये जो स्वरूप, ये इन तमाम चीज़ों का जो समावेश है, उन समावेश को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो विश्वराज सिंह मेवाड़ राज तिलक के इस पूरे पूरे कार्यक्रम के केंद्र में है, वो राजतंत्र की उस व्यवस्था को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक परंपराओं के निर्वहन के लिए आज चित्तौड़ आए हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, उसी स्वरूप में चुने गए हैं। तो ये एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जिसके स्वागत के लिए चित्तौड़ बीते कई समय से तैयारी कर रहा है। और आज यहाँ का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, अपने आप में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फतेह प्रकाश महल भी खुद ब खुद सजावट कर रहा होगा, खुद ब खुद सज रहा होगा, सजाने वालों को कहीं ना कहीं बता रहा होगा कि थोड़ी चीज़ें यह भी कर लीजिए, थोड़ी चीज़ें वो भी कर लीजिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक लम्हा जो आज यहाँ साकार होने जा रहा है, उसके लिए हमें 500 सालों का इंतज़ार करना पड़ा है। हम भी कोशिश करेंगे कि आज की पल पल की अपडेट से आपको जुड़े रखें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।